नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। बीते 24 घंटे में भारत में मिले लगभग 15,000 नए मामले। भारत में कोविड-19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बंद में मिली छूट के बाद कोविड-19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तक के सर्वाधिक 15,000 मामले मिले हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 445 लोगों की बीते 24 घंटे में जान भी जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं पाए गए मामलों बाद भारत में कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 4,25,000 के पार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अब तक कोविड-19 से भारत में 2,37,252 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। जहां एक तरफ नए मामले मिल रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में ठीक होने वालों की दर भी काफी ज्यादा है। आज है दिवंगत अमरीश पुरी का जन्मदिन। फिल्मों में अमरीश पुरी के किरदार को हमेशा अनोखे अंदाज में दिखाया जाता रहा है, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। अक्सर अमरीश पुरी अपने रिकॉर्डिंग के वक्त समय पर पहुंचा करते थे। इतना ही नहीं, अपने काम को लेकर भी वो काफी ज्यादा सजग देखने में मिलते थे। मगर एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया था। 80 और 90 के दशक में गोविंदा इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। गोविंदा के पास एक साथ इतनी फिल्में आने लगी थी कि उनके पास काम करने का वक्त भी नहीं था। जो भी फिल्में आती थी, गोविंदा उसको साइन कर देते। इसी बीच गोविंदा और अमरीश पुरी को एक फिल्म में साथ में काम करना था। अमरीश पुरी तो समय पर पहुंचते थे और उनको पहुंचने का समय एक दिन 9 बजे का दिया गया था, मगर गोविंदा शाम के 6 बजे सेट पर पहुंचे थे, जिसके बाद अमरीश पुरी बेहद ही नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अमरीश पुरी ने गोविंदा को चाटा तक जड़ दिया था, जिसके बाद दोनों ने एक साथ कभी भी एक फिल्म में काम नहीं किया। नेपाल ने कोविड-19 फैलाने के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद अब भारत की तल्खी नेपाल के साथ भी बढ़ने लगी है, जिसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसी क्रम में नेपाल ने बीते दिन एक बार फिर से भारत के खिलाफ खूब राजनीतिक बयानबाजी की है, जिसके तहत नेपाल ने यह कहा है कि कोविड-19 से जुड़े 90% से ज्यादा मामले सीधे तौर पर भारत से जुड़ते हैं। देश में कोविड-19 भारत से लौटे प्रवासी श्रमिकों ने फैलाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेपाल में बीते दिन 421 नए मामलों की पुष्टि की गई थी। देश के 77 जिलों में से 75 में कोविड-19 के संक्रमण को फैलते देखा गया है। इसके बाद से संक्रमितों की कुल संख्या 9,026 को पार कर गई है। इतना ही नहीं, नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा ने भी बीते दिन नागरिकता संशोधन में नए प्रस्ताव को जारी कर दिया है। इसमें प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को लगा करारा झटका। भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बाद चीन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय संघ के साथ जारी विवाद में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उनका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा अब खत्म हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चीन पिछले साल से यूरोपियन यूनियन पर चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी, जिसके बाद अमेरिकी यूरोप में चीन के सामानों पर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि यूरोपीय संघ ने पहले ही साफ कर दिया था कि चीनी स्टील एल्यूमिनियम समेत अपने ज्यादातर उद्योगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। और चीन के खिलाफ आए दिन इस फैसले के बाद यूरोपीय संघ, अमेरिका दोनों ही चीन के सामानों पर भारी भरकम एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकते हैं, जिससे चीन के सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन योग क्विज। बीते दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाया गया था। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन माध्यम से इस दिन का आयोजन करवाया गया था। वहीं अब योग के फायदों को देखते हुए NCERT ने इसे बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन योग कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें से लेकर 12वीं तक के छात्र हिस्सा लेंगे, जिसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि NCERT ने उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए स्वस्थ रहने के लिए और योग्य पर पाठ सामग्री विकसित करने के लिए साल 2016 से लेकर साल 2019 तक योग ओलंपियाड का आयोजन करवाया था। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी कहा है कि योगा ओलंपियाड शुरू करवाने के समय यही उद्देश्य था कि छात्र में योग के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और योग करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। रतन टाटा ने सभी सोशल मीडिया यूजर से की खास अपील। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने ऑनलाइन माध्यम से प्रभावित करने वाले मैसेजेस को फैलाने और मानसिक रूप से परेशान करने वाली जानकारियों को रोकने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने सभी ऑनलाइन कम्युनिटी को अधिक दयालु और संवेदनशील बनने की सलाह दी है। जिसके तहत रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा है कि ऑनलाइन कम्युनिटी एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा हानिकारक बन रही है। चुनौतियों से भरा यह साल हर किसी के लिए किसी न किसी तरह का चुनौती लेकर आया है। मैं देखता हूं कि ऑनलाइन कम्युनिटी एक दूसरे को नीचा दिखा रही है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। यह साल खास तौर से हम सभी के लिए एकजुट और मददगार रहने की मांग करता है और यह समय है एक दूसरे को नीचा गिराने का नहीं है। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने ऑनलाइन कम्युनिटी को एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील बनने की आग्रह भी की है।
कोविड-19 पर जीत हासिल करने के लिए राज्यों ने अपनाया 3T का फॉर्मूला। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी कोशिश जारी कर रहा है, जिसके बाद अब भारत में 3T अपनाया जाना है। इस फॉर्मूला के तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अपनाए जाने की जरूरत है, जिसके लिए अस्पतालों में बैठक भी बुलाई गई है। साथ ही ज्यादा गंभीर मरीजों का आकलन कर उनका इलाज भी किए जाने का फैसला सुनाया गया है। वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी जोर शोर से करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हर दिन वहां 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया है। बीते दिन एक दिन में 33,231 टेस्ट हुए हैं, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा में भी टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन आबादी के मुकाबले वहां पर अभी भी टेस्टिंग की प्रक्रिया कम हो रही है। ट्रेन से यात्रा करने पर बुजुर्गों को टिकट में नहीं मिलेगी रियायत। अक्सर ट्रेन से यात्रा करने पर बुजुर्गों और कम उम्र के लोगों को रेलवे की तरफ से रियायत दी जाती थी, मगर अब रेलवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रेनों में सफर करने के लिए 58 साल से अधिक महिला और फिर 60 साल से उम्र के पुरुष यात्री और 10 साल से कम उम्र के छोटे लोगों को टिकट में 50% की छूट का फायदा अब नहीं दिया जाएगा। रेलवे जहां एक तरफ इन यात्रियों से सफर करने का अनुरोध भी नहीं कर रही है, वहीं इसका फायदा नहीं मिलने पर लोग निराश होकर घर भी वापस लौट रहे हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण कोविड-19 के संक्रमण की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सफर करने वाले यात्रियों में कोई ऐसे यात्री होते हैं जो बूढ़े होते हैं और जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। ऐसे यात्रियों की अगर बीच में तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो दूसरी परेशानी होने की भी संभावना बनी रहती है, और यही कारण है कि रेलवे ने 60 वर्ष के पुरुष, साथ ही 58 वर्ष की महिला यात्री और लगभग 10 साल या 10 साल से नीचे वर्ग में आने वाले लोगों को टिकट में दिए जाने वाली छूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अमेरिका में कोविड-19 हुआ बेकाबू। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन अमेरिका में पाए गए कुल मामलों को मिलाने के बाद प्रभावितों की कुल संख्या 23,56,000 को पार कर गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से अमेरिका में अब तक 122,247 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि अमेरिका में कोविड-19 की वजह से अब तक 979,000 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, यानी कि अब तक अमेरिका में 5% कोविड-19 संक्रमितों की जान चली गई है, जबकि 42% लोग इससे ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। अमेरिका के आधिकारिक सूत्रों की माने तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क हुआ है, जहां पर 411,264 संक्रमित मिले हैं, जबकि शेष न्यूयॉर्क में 31,215 लोगों की जान गई है। मनमोहन सिंह ने चीन को जवाब देने के लिए पूरे भारत को एक साथ आने की मांग। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को भारत चीन के मुद्दे पर एकजुट होकर एकता दिखाने की भी मांग की है। लद्दाख सीमा विवाद में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जवानों को इस तरीके से जान देना व्यर्थ नहीं जाएगा। यही ऐसा समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर अपनी एकता दिखानी है और संगठित होकर चीन के इस कदम का जवाब देना है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारी आकलन कैसे करेंगी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लाखों कर्मचारी हुए बेरोजगार। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही बिल्कुल भी बंद करवा दी गई थी। हालांकि अनलॉक के पहले चरण में सार्वजनिक वाहनों को थोड़ी छूट तो मिली, मगर फिर भी नियमों की सख्ती को देखते हुए और लोगों के मन में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए परिस्थिति देखते हुए बस टैक्सी काफी ज्यादा नुकसान का सामना कर रही है, और यही कारण है कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है, जिसके तहत बस और कार ऑपरेटर्स के संगठन BOCI ने साफ तौर पर कहा है कि अभी इतने ही लोगों के बेरोजगार होने की परेशानी उत्पन्न हुई है। संगठन ने अपनी तरफ से दावा किया है यह ऑपरेटर 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का काम करती है, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। 1 करोड़ लोगों में से कम 30 से 40 लाख लोग अपनी नौकरी ऐसे में खो देंगे। 15 से 20 लाख लोग पहले ही अपनी नौकरी खो चुके हैं, बाकी लोगों की नौकरी भी बीच मझधार में है। सलमान खान द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ट्वीट को ट्रोल होता देख बचाव में आए अरबाज खान। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए कदम के बाद हर कोई बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को और बड़े बड़े सितारों को जिम्मेदार मान रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से लंबी बहस छिड़ी है, जिसका मुद्दा नेपोटिज्म है। इसी नेपोटिज्म की सूची में सलमान खान का नाम भी शामिल है। हालांकि सलमान खान के फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान ने एक ट्वीट कर फैंस से गुजारिश की है कि वो गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं बिहार में सुशांत के जाने के बाद सलमान खान और उनकी प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया गया है। वहीं अब सलमान खान के बचाव में उनके भाई अरबाज खान
उतरे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। एक अंग्रेजी कहावत हमने स्कूल में पढ़ी थी, मैं तब इसका ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए पुरानी कहावत अब पूरी तरह से समझ में आ रही है। रूस की जीत के जश्न में शामिल होने जाएंगे राजनाथ सिंह। रूस की विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हो गए हैं। खबरों की माने तो राजनाथ सिंह आज सुबह ही रूस के मॉस्को के लिए रवाना हुए हैं। राजनाथ का यह दौरा 3 दिन का होने वाला है, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे पर 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो उनसे नहीं मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोवियत संघ की जीत को 75 साल पूरे होने के मौके पर विक्ट्री परेड निकाली जा रही है। यह परेड मई में निकलने वाली थी, मगर कोविड-19 की वजह से इसे आगे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब इस परेड का आयोजन करवाया जा रहा है। यह परेड 24 जून को निकलने वाली है। जॉर्ज फ्लॉयड मामले को लेकर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की प्रतिमा पर लोगों ने पोता रंग। अमेरिका में रंगों के आधार पर भेदभाव का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुए वाक्या के बाद पूरे अमेरिकी नागरिकों ने नाराजगी साफ साफ अपनी जाहिर की है, और यही कारण है कि ब्लैक लाइफ मैटर नाम की मुहिम अभी तक अमेरिका के सड़कों पर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन अपने विरोध प्रकट करने सड़क पर उतरे भी लोगों ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की प्रतिमा पर रंग पोत दिया। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की प्रतिमा पर लोगों ने लाल रंग लगा दिया है और उसे बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं ईयर के विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के प्रवेश में लगी थियोडोर रूजवेल्ट की प्रतिमा को भी हटाने का निर्णय लिया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम पर दर्ज करने वाले राजेंद्र गोयल ने दुनिया को कहा अलविदा। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम दर्ज करने वाले राजेंद्र गोयल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके तहत भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, जिसके तहत शिखर ने लिखा है कि परिवार के साथ मेरी संवेदना, भगवान आपको शांति दे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजेंद्र गोयल ने अपने क्रिकेट करियर में बतौर स्पिनर 18.58 के औसत के साथ 750 प्रथम श्रेणी विकेट लिए हैं। उन्होंने 44 साल की उम्र तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल और पटियाला, दिल्ली, दक्षिण पंजाब, हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया है। इतना ही नहीं, वो कभी टेस्ट या वनडे नहीं खेल पाए, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने खेलना शुरू किया था तब इंडिया में बिशन सिंह बेदी थे। 637 रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ गोयल 1984-85 सीजन में अपना आखिरी गेम खेलने के बावजूद भारत प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अनलॉक के दूसरे चरण में और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।